हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये क्लिप जो है ट्यूसडे की है। जब मैं संडे को यहाँ आई थी ना अपने ससुराल, तो रौनक को मैंने 2-3 दिन के लिए वहीं पे ही छोड़ दिया था अपने मायके में। ये रास्ते का व्यू है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत से जो हैं लोकल ना हो के बाहर के हैं, मतलब कि प्लेन एरिया के हैं, या जो यहाँ के हैं लोग बाहर रहते हैं ना, तो उनके लिए ये सब मैं कैप्चर करती हूँ। यहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो सोचा कि आप सभी के साथ मैं ये व्यू भी शेयर कर देती हूँ। गाइस, मैं जो है रौनक को लेने वेडनेसडे को आने वाली थी, लेकिन फिर मैंने उसको कॉल की। उसको जो है थोड़ा लग रहा था, वो बोल रहा था कि सुबह शाम मुझे थोड़ा अजीब जैसा लग रहा है। तो पहली बार ही मैंने रखा, तो खुद से नहीं रखा, उसने खुद से ही बोला था। हालांकि मैं उसको बोल रही थी आने के लिए, यहाँ से ना इस तरह से दिखता है। तो आज मैं उसको लेने चल पड़ी हूँ। और इन दिनों ना संडे से लेकर जो है ट्यूसडे, मतलब कि अभी तक देखो बारिश लगातार हो रही है, और सड़कों पे भी सारे में पानी ही पानी है। तो यहाँ पे मैं रुकी थी, अब चले जाऊँगी यहाँ से। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, संडे के बाद मैं मिल रही हूँ आज आपसे। तो संडे को ना बहुत मतलब कि ख़राब हो गया था मौसम। मंडे और ट्यूसडे, मतलब कि आज अभी 3:30-4 बजे हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने क्या किया कि जिस दिन मैं संडे को यहाँ से गई ना, तो यहाँ रुकी हूँ थोड़ी देर। और पीछे का व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, क्योंकि धरती जो है धुली धुली सी है। मैंने क्या किया, मैंने रौनक को यहीं रखा, क्योंकि उसको ही ज़िद थी कि मामा मुझे यहीं रहना है। लेकिन अब क्या है, वो कॉल कर रहा है कि मामा अब मुझे आना है। तो उसने पहले ही बोल दिया था मैं 1 या 2 दिन रहूँगा। तो आज मेरा मन था कि आज उसको यहीं रहने दूँ, लेकिन फिर मुझे लगा चलिए उसको वापस ले आती हूँ। तो मैं घर के बिल्कुल पास हूँ। अब रौनक के रिएक्शन दिखाती हूँ आपको। वो बोल रहा था कि सुबह शाम मुझे थोड़ा मम्मा आपकी याद आती है, बाकी मुझे आपकी याद नहीं आती है। रौनक को काफ़ी लगाव है अपनी नानी के साथ, लेकिन फिर हो जाता है ना, ज़्यादा भी नहीं रहते हैं। मैंने उसको कॉल कर दी थी शाम को कि मैं कब आऊँ, तो उसने बोल दिया था मम्मा आज शाम तक आ जाना, नहीं तो मैं उसको बोल रही थी कि मैं वेडनेसडे को आती हूँ, क्योंकि पहले तक उसकी छुट्टी है ना, मतलब कि क्लासेस नहीं लगेगी। इनके स्कूल तो शायद मुश्किल ही है खुलने। चलिए गाइज, अब रौनक को दिखाती हूँ रौनक के एक्सप्रेशन कैसे होंगे। पहली बार मैंने जो है रौनक को अपने से दूर रखा, तो चलिए चलते हैं, अब मिलती हूँ घर में। आप लोग बोलते हो ना कि पहाड़ी बैकग्राउंड म्यूज़िक डाला कीजिए, गाइज उस पर ना कॉपीराइट क्लेम आते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर किया है ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। यहाँ पे ना हर वो मतलब कि पहाड़ी गानों पे भी मुझे बहुत सारे कॉपीराइट क्लेम आ चुके हैं। सड़कों पे तो पानी ही पानी है, और धरती इतनी सुंदर लग रही है, खासकर ये वाली जगह मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने पहले भी आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। और चोटियों पर ना बर्फ़ पड़ गई है, और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है ना, मैंने मोटा जैकेट निकाल दिया, और बहुत ही ज़्यादा ठंड, इतनी ठंड हो गई थी ना, बिल्कुल जनवरी वाली जैसी ठंड हो गई थी। यहाँ ऐसे ही होता है पहाड़ों में। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि पहाड़ी म्यूजिक शेयर कर दीजिए, तो थोड़ा सा शेयर कर दिया, क्योंकि डर ही लगता है कॉपीराइट इशू से। चलिए चलते हैं फटाफट से अब घर। रौनक, रौनक सोया है। गाइस, रौनक जो है सोया हुआ है। दिन को वो बहुत कम सोता है, क्योंकि वो फिर शाम को नहीं सोता है। मुझे कमेंट भी आते हैं मत उठाइए उसको। सोया है रौनक। रौनक कभी नहीं सोता, लेकिन आज सोया है इधर। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये क्यों सो गया रौनक, क्यों सो गया बिट्टू? ऐसे ही सोता है, इसको नींद नहीं आई है। हेलो बेटू। मैं भी इतना बोल देना, मेरे दादू बुट्टी में, दादी बुट्टी में, बड़े पापा, बड़े मामा। जगह मैं फिर दादी बुट्टी में। अभी 4 o'clock। आप कैसे सो गए, आप तो सोते नहीं थे दिन को। लड़ रहे हैं ना, तो बड़े पापा यहाँ पर सोए थे। बड़े पापा पास हो गए, तो बड़े पापा पर सोए थे, कोई काम नहीं था, बैटरी भी कम थी मोबाइल में, तो सो जाते हैं। मेरी याद आई थी, रौनक पहली बार मेरे बिना रहा, लेकिन मस्त रहा था। मैं आ गई रौनक को लेने, आ जाना घर की, कल जाएंगे। किसके कपड़े पहने हैं आपने, श्रेया के?
हेलो भाऊ, क्या कर रहे आप? चलो रहना, और यहाँ कुछ दिन की जाना वापस? कल जाएंगे। अच्छा कल जाएंगे। चलिए गाइस फिर मिलती हूँ अब आपसे थोड़ी देर बाद। चलो बाय बोलो। बाय। मिलेंगे फिर। लाइक कीजिए। लाइक। उठ गया जोर से, जोर से। हेलो फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं। और बोलो जोर से, हेलो फ्रेंड्स। और ये तो अभी परेशान है मेरा बेटू। आजा गोदी में घड़ी। रौनक मेरा आज सो गया मैं, है ना? रौनक ना कभी दिन को नहीं सोता है, लेकिन आज ये दिन को सो गया। चल पिक लेते हैं। कैन यू हियर, कैन यू हियर, कैन यू हियर माय वॉइस कमिंग थ्रू, कमिंग थ्रू, कमिंग थ्रू द नॉइस। आई एम फ्लोटिंग थ्रू आउटर स्पेस, आई एम लॉस्ट एंड आई कांट फाइंड अ वे। ओह, ऑल द लाइट्स गोइंग डार्क इन माय होम। जब यहाँ पर आता है फ्रेश हो जाता है दिमाग, और आज तो मैं यहाँ पर सो भी गया था। तो यहाँ पर बात अभी लाइट गई थी ना, और फिर जब लाइट गई थी तो हमारे पास कोई काम करने को नहीं था, तो मैंने सोचा कि सो लेते हैं। तो मैं एक घड़ी सो गया। तो हमने बहुत कुछ किया, खेले ज़्यादातर टाइम, तो खेलने में और फिर मोबाइल में फंसने में गया। और ज़्यादा क्या कर सकते थे हम, एक मिनट ना, मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर आ जाना। तो फिर अब क्या भी कर सकते थे हम। अरे मेरे हेयर इसी ना, वो बार बार वो निकल रहा है, तो आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। इसको सॉर्ट आउट कर लिया, मैंने अभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया है। और यार अभी मैं ऊपर जाने वाला हूँ यहाँ पर, तो बाहर अभी ठंड है। और ना मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। क्या क्या बोलते हैं उस चीज़ को, क्या बोलते हैं ना, हाँ ये देखो, ये दांतून है टिम्बर की, नानी ना मुझे दी थी सुबह भी की अभी भी की। तो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, अभी तो क्या ही बोलूँ मैं। देखो भाऊ है ये, आ रहा? कैसे हो हम दोनों? अरे यार अभी नहीं आ रहा। अरे एक मिनट ना, मैं फिर है। ये कौन है? हम है आशीष और उसकी मम्मा। हेलो बोलो। हेलो हेलो। ये देखो उसको, उस वाले पेड़ को क्या बोलते हैं, उस वाले खट्टा खट्टा खट्टा, इसको बोलते खट्टे का पेड़, खट्टे का पेड़, खट्टे का पेड़। और फिर आप देख सकते हो ठंड की वजह से आज यहाँ पर बारिश हुई, कल बारिश हुई, ऐसी बारिश हो रही थी ना कल। कल तो मतलब ना, जो आपको ये वाले पूरा एरिया दिख रहा है ना, मड ही मड था यहाँ पर, एक जगह नहीं था जहाँ पर मड नहीं हो। और आज भी हुई है कि देखो, क्योंकि नीचे दिख रहा है, और वहाँ पर देख सकते हैं आप मॉर्निंग, पर यहाँ से थोड़ा दूर दिखता है क्योंकि ये ऐसे को है। तो चलिए, और भाऊ कहाँ आ रहा है? चलो भाव अंदर चलते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, बिच्छू बूटी की। हमारे बोलते हैं उसको कोटगढ़ में कुंशी, और मेरे साथ आगे चले हैं मेरी मॉम। हेलो इधर मुड़ो, ये ना अपने लक्ष्य की तरफ है, मतलब कि चलना ही है। और मेरे साथ है मेरा पुत्र रौनक। तो ये ऐसी चीज होती है ना, लग जाए ना तो मतलब खुजली, जलन, सब कुछ होती है। हाँ जी, तो इसके लिए मैं अपने साथ ले जा रही हूँ चिमटा, तो इससे निकालेंगे उसको, और एक लिफाफा, क्योंकि वो खून भी साफ करती है और अच्छी होती है, खा लेनी चाहिए। तो चलिए गाइस आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आगे चले हैं ये, मैंने आज तक ये वाला काम वैसे नहीं किया है। ये देखो ऐसे ढूंढेंगे इसको और ऐसे निकालेंगे इसको। अब इन्होंने तो बाल्टी ले आई है, ये देखिए इधर साइड को ना बहुत होती है, और ये ना खून साफ करती है। ये देखो मैं भी लाई हूँ चिमटा, मैं भी निकालती हूँ। गाइस इसको इस तरह से तोड़ते हैं, इस तरह से, और ये वाली जो है ये है, इसको ऐसी वेन में तोड़ते हैं। हाँ, और ये देखो यहाँ पे ये कलेक्ट हो रही है। इसकी स्टफिंग भी बनाते हैं और सब्जी भी। हम क्या बनाएंगे इसका? बेड़ो, बेड़ो स्टफिंग। और यहाँ ना
बहुत है ये आगे, इधर देखो ऐसे पेड़ों के बीच में। हाँ बहुत मिल जाती है ऐसे। यहाँ पे यहाँ पे देखो ये भी है, लेकिन ये वाली थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ देखो ये वाली है। हाँ ये देखो ये वाली नमी में उग जाती है। लगाऊ रौनक आपको? नहीं रौनक लगाऊ मुंह में? रौनक भाग रहा है। हमने ना बचपन में मार से ज्यादा बिच्छू पुट्टी खाई है, कुंक्षी बोलते थे। और हमारे ना पीछे घर के पास नीचे को जहाँ दादू का घर है वहाँ बहुत थी। ये दोनों हैं जी भाभियाँ जो छुप रही है पेड़ की आड़ में। तब क्या तुम दिखाने लाले? अभी नहीं जा रहे हम, तो कब जाएंगे? गाइज बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हमारा नाम वीडियो में लो, हमारा नाम वीडियो में लो। फिर पता क्या होता है ना, सबके नाम वीडियो में नहीं ले पाती हूँ, तो उसके लिए फिर बाद में ना बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं। प्लीज़ आप लोग मुझसे नाराज़ मत होया कीजिए। एक एक सब्सक्राइबर जो भी मुझसे जुड़ा है ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्योंकि शुरू में ना, सच्ची बोल रही हूँ, शुरू में हम लोग जो है सिर्फ अपनी वीडियो डालते जाते हैं, लेकिन एक एक जो लोग आप मेरे साथ जुड़ रहे हो ना, दिल से जुड़ रहे हो। और मैं यहाँ से वापस अभी ही जा रही हूँ, क्योंकि घर से पार से फ़ोन आ गया। मेरा ना मायका और ससुराल बहुत ही नज़दीक है, जो लोग पहले के हैं वो जानते हैं, मतलब कि 15-20 मिनट का रास्ता है हमारा। तो इनकी पहचान पता कैसी होती है? इन पर जो ऐसे ऐसे ये फर नहीं लगाता, ये ऐसे वैसे छोटे छोटे कांटे। हाँ और इसकी स्टेम में भी थोड़े थोड़े लगे होते हैं, तो ऐसे इनकी पहचान होती है। और ये रौनक ना हर जगह ही अपना ही ढूंढता रहता है। रौनक को काफी अच्छा लगता है ऐसे। काफी सारी उठा दी है हमने, यहाँ पे बहुत है। मैं क्या करूँगी, उसको अपने साथ लेके जाऊंगी, फिर मैं इसकी स्टफिंग बनाऊंगी, क्योंकि इससे खून वगैरह साफ होता है ना। हम सब्जी है हाँ, ग्रीन टी भी इसकी काफी अच्छी होती है। हमारी साइड को, उधर साइड को ज्यादा नहीं होती है, इधर को है। तो चलिए बाकी जो इसका बनेगा वो मैं, जहाँ पर उसको थोड़ा थोड़ा वाटर मिल जाता है ना, नमी मिल जाती है रॉक में। रौनक की ना अपने ही साइंस निकल जाती है हर चीज में। मैं क्या करूँगी, घर जाके ना फिर बनाऊंगी आप लोगों के साथ, फिर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे इसकी स्टफिंग भी बनानी है, इसकी चाय भी पीनी है ब्लड प्यूरिफाइंग करने के लिए। तो चलिए गाइस मिलती हूँ अब घर में। वैसे तो मैं 2 दिन के लिए वापस आ गई थी, क्योंकि रौनक की अभी छुट्टियां हैं, लेकिन पीछे से जो पार घर की चाबियां है ना, पीछे जो बगीचे में घर बना हुआ है खेत में, वो मेरे साथ आ गई थी। और वहां पर आज जाली का जो है डोर लगना है, वो जो है कारपेंटर वहां पे आ गए हैं, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। और मैं यहाँ पे रुकी हूँ, ये डोर जो है ना यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये वाला यहाँ पे ना जाली वाला दरवाजा लगाना है। और मैं सोच रही थी कि 2-3 दिन उधर ही रहूंगी, लेकिन चाबी जो है गलती से मेरे साथ चली गई थी, और मिस्त्री आए हैं कारपेंटर लोग, तो अभी आएंगे, आगे कर रहे हैं कुछ काम, फिर वो आएंगे। ये जो है यहाँ पे जाली वाला दरवाजा लगेगा, और यहाँ पे भी ना करूंगी मैं थोड़ी सफाई वगैरह, और फिर थोड़ा बीज वगैरह भी जो भी बोते हैं। यहाँ अच्छा लगता है मुझे नीचे से, क्यों रौनक यहाँ रहना, और रौनक का भी मन है यहीं रहने का, है ना? तो फिर हम यहीं रहेंगे या देखेंगे क्या करते हैं।
यहाँ पे ज्यादा अच्छा है क्योंकि रोड के नजदीक है। चलिए गाइस फटाफट से, अब जब मिस्त्री आएंगे तब मिलवाती हूँ। गाइस मिस्त्री भी आ गए थे, काम भी होना शुरू हो गया था, रेडी व्यू पर आ गए थे, पर पता क्या हुआ, ये काम ना पूरा नहीं हुआ क्योंकि बारिश होनी शुरू हो गई। दिन को जो है हल्की सी धूप लग गई थी और ओला भी आया, दिखाऊंगी मैं आप लोगों के साथ, शेयर करूंगी। काफ़ी ज़्यादा तो नहीं आया, पर इस टाइम ना ओला आना भी नहीं चाहिए, फसल बर्बाद हो जाती है। ओला, यहाँ हमारा काम रुक गया था, तो अगले दिन से अब मैं वीडियो शुरू करूँगी क्योंकि मैं अब जो है नीचे चले जाऊँगी रौनक को लेके, डैडी भी। तो वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी।